कोटा जिले में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर इटावा कस्बे की कृषि उपज मंडी सभागार में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ दोनों क्षेत्रों में विभिन्न अपराध की गतिविधियों की जानकारियां साझा की गई। इस दौरान इटावा SDM DSP शिवम जोशी सहित सभी सीमावर्ती थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। कि आपको ध्यान है कि आपने राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र 26 अप्रैल को चुनाव होना है, और उसी तरह से MP में जो हमारे से सटा हुआ इलाका है श्योपुर जिले का, उसमें 7 मई को चुनाव होना है। उसी को लेकर चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश हैं उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने आज एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी थी, जिसमें श्योपुर SP साहब और उनके जो SSP हैं और COs और SHOs भी आए, उसी तरह से अपने इलाके के भी COs और SHOs यहाँ थे। आपस में हम लोगों ने एक दूसरे के यहाँ अपराध करने वाले लोगों का उनका डेटा शेयर किया है, और जिस तरह हमारे नाके लगे हुए हैं उन पर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई। इसमें श्योपुर जिले का जो है हमारा 2 थाने बड़ौदा और देहात, और इसी तरह जो इटावा, जो राजस्थान की इटावा और अयाना और खतौली, ये 3 जो थाने हैं, तो इनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई ताकि एकदम सीमलेस जो है बॉर्डरलेस ऑपरेशन हम कर सकें। ज्वाइंट ऑपरेशंस के बारे में बात की गई, नाकास किस तरह से ऑपरेशनल रहेंगे जब हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे 7 मई को तब यहाँ, और जब किस तरह से 26 अप्रैल को जब चुनाव रहेगा राजस्थान में तो किस तरह से हमारे नाकास ऑपरेशनल रहेंगे, इसके संबंध में बाकी डिटेल्स ये जो है और बाकी जो किस तरह से आगे भी कोऑर्डिनेशन रहेगा इसके संबंध में चर्चा की।